देखिए बच्चों, आज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब हिंदी में जिसका मतलब होता है सहचर्य गुणधर्म। हमने इससे पहले वाले वीडियो में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि कर्म विनिमय के गुणधर्म के बारे में सीखा था। अब हम पढ़ते हैं सहचर्य गुणधर्म। और सहचर्य गुणधर्म भी हम चारों चीज़ों के लिए पढ़ेंगे, योग के लिए, घटा के लिए, भाग के लिए और गुणा के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्टली हम पढ़ते हैं फॉर एडक्शन। योग के लिए देखिए बेटा, जो ये सहचर्य गुणधर्म या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें तीन चीज़ों के बारे में नॉलेज करती है। जैसे कि हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, दो चीज़ें ए और बी होती थी, यानी कोई दो ही नंबर होते थे। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है, इसमें तीन नंबर होते हैं, जैसे कि ए बी सी। हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। और इनको एसोसिएटिव बनाने के लिए अगर मैं फर्स्टली इन दो के ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो लास्ट में इन दो के ब्रैकेट और ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो ही इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है। देखिए, तीन नंबर लेने हैं ए बी सी। आप ऐसा कीजिए, फर्स्ट दो को पहले, फर्स्ट टू को पहले ऐड कर लीजिए, फिर जो बच गया उसे तीसरे के साथ ऐड कर दीजिए। इसका मान इक्वल होगा, लास्ट दो को ऐड करो और फिर उसको फर्स्ट वाले से ऐड कर लो, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये बिल्कुल सेम ही देते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई होती है। देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ए बराबर ले लिया है टू, बी इक्वल टू थ्री और C इक्वल टू थ्री ही ले लिया है, या फिर C इक्वल टू हम फोर ले लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं। तो हम अपने बॉक्स के अनुसार चलते हैं। A की वैल्यू है टू प्लस B की वैल्यू है थ्री, ब्रैकेट लगा दो इनको, प्लस C की वैल्यू है फोर, इक्वल होना चाहिए A की वैल्यू टू प्लस ब्रैकेट थ्री प्लस फोर। देखते हैं सोल्व करके, टू प्लस थ्री फाइव, प्लस फोर टू प्लस सेवन, तो नाइन इक्वल टू नाइन। इसका मतलब अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी राइट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आते हैं। ध्यान क्या रखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जैसे ये दे दिए क्वेश्चन, बोलेगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो जब भी तीन नंबर हो और शुरुआत में दो के ब्रैकेट लगा रखो, लास्ट दो के ब्रैकेट लगा रखो, तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी है आपको। नेक्स्ट हम बी पढ़ते हैं इसका, फॉर सब्ट्रैक्शन। घटाव के लिए सब्ट्रैक्शन का मतलब a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल आएगा a माइनस बी माइनस सी। फर्स्टली आप 2 के साथ ब्रैकेट लगाइए और लास्टली इन 2 के साथ ब्रैकेट लगाइए, ये हमेशा आपका नॉट इक्वल वैल्यू देगा। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट अप्लाई होती है। वही एग्जांपल से देख लेते हैं। A इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, B इक्वल टू 3 ले लिया, C इक्वल टू 4 ले लिया। एग्जाम्पल में करते हैं, इनके 2 माइनस B की वैल्यू है 3 माइनस C की वैल्यू है 4, फर्स्ट 2 के ब्रैकेट लगा दिया, ये नॉट इक्वल आएगा। A की वैल्यू 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 4, 1 माइनस 3 होता है, फिर 2 माइनस 3 होता है माइनस 1 और माइनस 4, नॉट इक्वल आएगा। 2 माइनस 3 माइनस 4 होता है बेटा माइनस 1, ये तो हो गया माइनस 5, नॉट इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3। देख लीजिए, माइनस का 5 कभी भी 3 के इक्वल होता है क्या, नॉट इक्वल होता है। इट मीन्स इसमें सब्ट्रैक्शन में
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। और सी पढ़ लेते हैं, फॉर मल्टीप्लाई, गुणन के लिए। तो बेटा ध्यान रखना है कि a इंटू बी इंटू सी, फर्स्ट टू के साथ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, वो हमेशा इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी। और d है फॉर डिवाइड, भाग के लिए, क्योंकि a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c नॉट इक्वल आता है a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। इन दोनों के एग्जांपल आप खुद करके देख लेना, बिटवीन्स क्या हुआ, इस प्रकार से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है, उसी प्रकार से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है साहचर्य गुणधर्म भी योग व गुणन के लिए तो अप्लाई होता है, बाकी सब्ट्रैक्शन इनकी घटाव और भाग के लिए अप्लाई नहीं होता है।